मंच के आदरणीय मित्रों, सामने रेखा जी समेत तमाम लोग विद्वज्जन और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे प्रिय मतलब मैं यहाँ तो कुछ नहीं हूँ उस तरह से, लेकिन फिर भी यहाँ आपके आकर्षण में चला है इसलिए मेरे प्रिय मैं। देखिए, ये बहुत ही बड़े संकट का मामला है कि मुझे कहा गया है एक संजीव को दूसरे संजीव का, मुझसे एक नहले पर दूसरा नहला मारना और असगर भाई मेरे बड़े भाई हैं उन पर कुछ कहना, राकेश जी मेरे छोटे भाई हैं उन पर कुछ कहना। तो ये कोई कुरुक्षेत्र या कोई गीता वीता नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल बहुत छोटे में, बहुत थोड़े में मैं अपनी राय दे रहा हूँ। हो सकता है इस राय से आप इत्तेफाक न रखें, लेकिन एक बतौर कहानीकार के रूप में कहानियाँ सुन रहा था और भीतर ही भीतर गुन रहा था कि अगर मैं होता तो कैसे लिखता, या यहाँ पर कैसे, कहाँ ट्विस्ट होनी चाहिए थी कहानी, कहाँ नहीं। मैं बहुत कम बातें कर रहा हूँ, अरे तो असगर भाई की बात, असगर भाई मेरे वे बड़े भाई हैं जिनकी केक दिल्ली पहुंचना है, और वो जो वॉज वॉज पापा या इस तरह की जो कहानियां हैं सुन सुन के हम अपने को मारते रहे, वो दुनिया। मैं थोड़ा सा इनसे छोटा था और बिल्कुल पड़ोसी भी फतेहपुर के लिए सुल्तानपुर का मैं, और यहाँ दिल्ली में भी उधर। तो मुझे असगर जी की वो कहानियाँ और वो नाटक वो भी मेरे दिमाग में तैर रहे थे, और ये कहानियाँ जो बच्चे की उसको नहीं मार सकते वो अपना बच्चा याद आता है, इस तरह की कहानियाँ जो है, ये कहानी बहुत ही डीप है लेकिन एक स्तर पर सरलीकृत है। असगर जी ने, असगर जी का जो पात्र है, दो दंगाई पात्र हैं शराब खाने में, बहुत सारे सवाल पूछते हैं एक दूसरे से, ये नहीं पूछते कि जिनको मारा वे कौन थे, यानी जो बच्चे मारे गए वे कौन थे, क्लास कास्ट सेक्टर, ये सारे सवाल इसलिए मेरे दिमाग में उठे फौरी तौर पर कि नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, संगेज खान या इस तरह के दूसरे हत्यारे जो थे, इवन अशोक वगैरह के मामले में थे, तो ये सवाल उठे थे। जब कोई हत्या करता है, हत्या करने के बाद देखता है किसको मारा, या हाथ उठते हैं मारने के लिए, तब भी कुछ एक सवाल, बहुत सारे सवाल उसमें हैं, एक सवाल उसमें रह गया था कि ये कौन थे। चंगेज खान और नादिर शाह हैं, या इन लोगों ने कारीगरों को नहीं मारा था, स्त्रियों को नहीं मारा था, यानी जो उनके लिए उपयोगी थे उनको नहीं मारा था। दंगों के बारे में, चूंकि दंगों के बीच में रहा भी हूँ, बचा भी हूँ, और बहुत सारे जो बातें हैं, उत्पल दत्त की मीटिंग एक बार हो रही थी शोक सभा, उस समय दंगा हो रहा था हमारे शहर में, मैंने कहा भी था कि भाइयों, मैं बंगला में मैंने कहा था कि हम यहाँ क्यों समय गंवा रहे हैं, हमें उन दंगाइयों के बीच में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप जिनको मार रहे हो, जिनको घर उजाड़ रहे हो, जला रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, आपकी क्या इच्छा है, इनकी क्या मत, इनसे आपको क्या मिल रहा है, यानी हम समाज के उस तबके के बीच में जाएं बगैर इसके की बुद्धिजैविक बहस करके अपना समय जाया करें। मेरी बात हाँ हूँ करके टाल दी गई, और मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ कहता गया। तो इस तरह से मुझे लगा कि ये बहुत ही डीप और एक स्तर पर कुछ सवालों को छोड़ती हुई, कुछ छूटे हुए सवाल हैं जिनको असगर भाई ने छोड़ दिया है। अब मैं चूंकि बहुत कम बोलूँगा, मैंने कहा था राकेश जी जैसे मैंने कहा, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, बीच में मैं, बहुत बड़ा धर्म संकट था, इस धर्म संकट को जैसे तैसे आप लोगों के बीच में चूंकि बोलना है इसे समझा रहा हूँ। बेहतरीन शुरुआत भाषा के स्तर पर भी
तथ्य के स्तर पर भी बेहतरीन सुविधा दाग दे रहा था मैं व्यंजनात्मक प्रतीकात्मक और वो जितना है अभी क्या कहते हैं बिल्कुल आज के संदर्भ की बिल्कुल ताज़ा कहानी असगर भाई कहानियों को मैं पढ़ चुका है बस इन सारी कहानियों एक बाकी अंत वाले टुकड़ा था उसको छोड़ कर लेकिन राकेश जी की जो फसक जो उपन्यास है उसका मैं प्रशंसक रहा हूँ। संजीव जी ने उसके बारे में कहा भी बहुत बेहतरीन उपन्यास था। यहाँ इनके साथ मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात का इतनी अच्छी कहानी को जैसे कोई बहुत बड़ा लगेगा ये बम फूटेगा ना तो कानून बंद कर दो। हमने कानून बंद कर लिए इधर से उधर से चारों तरफ कि ऐसा ना हो कान के पर्दे उड़ जाए लेकिन ये कहे तो खुश इतनी अच्छी कहानी का इतना हल्का अंत आपने कैसे कर दिया भाई साहब क्या हड़बड़ा गए घबरा गए क्यों आप में रचना कौशल है सब कुछ तो आप इतनी जल्दी इतनी अच्छी कहानी का अंत करके कहानी का गला आपने घोंटा। मैंने कभी बाबा को कहा था नागार्जुन जी को कि बलचर्मा को आपने जिस तरह से ख़त्म किया बाबा रसगुल्ले खा रहे थे उन्होंने मेरा मुँह ताकर कहा कि उसको ऐसे मचोड़ दिया ना हमने कहा हाँ तो बाबा मान गए थे रस टपक रहा था हमने कहा उसको उस उतने अच्छे बड़े उतने मैंने संभावनाशील पात्र को आपको आगे ले जाना चाहिए था यही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ इतनी संभावनाशील कहानी को आपको आगे ले जाना चाहिए था। मैं अगर होता कहानी मेरे हाथ में होती जो कि नहीं है और ना होनी चाहिए क्योंकि कहानी उनकी है तो उसमें बसंती जो है वो सिलाई मशीन संभाल लेती अंत में सिलाई मशीन का छूटा हुआ जो अंश है कोना वहाँ जाके सिलाई मशीन संभाल लेती और जो मंगत है वो कांवड़िया बना रहता है क्योंकि वो इतना डीप रूटेड सेंटिमेंट है ये किसी अफीम के नशे से भी भयंकर नशा होता है ये जल्दी छूटने वाला नहीं होता है कितने जूते पड़े चमड़े उतर जाए तब भी नहीं तो मंगत कांवड़िया बन करके तांडव नृत्य या जो भी है लाल जूता खाता रहता है और वो जो ये है डॉक्टर मोटा कोई मित्र है उसका जो कि उसकी वाइफ को उसकी सुंदर पत्नी को ललचा रहा है उसकी बुरी नज़र है वो दोने में रसमलाई लेकर के आकर के बेटे को दे रहा होता और पत्नी इससे मैंने ये इस सिचुएशन पर ला करके इस एक डायलेमा में लाकर कहानी मैं छोड़ देता कि आगे दिशा कौन सी होगी ये स्पष्ट नहीं है ये तीनों की दशा दिशा पर निर्भर करता है तो मैं लगता है कि ये कहानी अधूरी रह गई उसको फिर से लिखिए मेरा अपना सुझाव है हो सकता है माने या ना माने और असगर भाई से हम उम्मीद करेंगे बड़े भाई का कर्तव्य निभाएं मतलब हम लोगों को रसमलाई खिला करके बहला मत दें ताज़ा कहानी इसी मन से सुनाएं हम किस उम्मीद के साथ एक बात मुझे एक बात कहनी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगी हरिजस राय साहब ने पिछली बार यहाँ हुई थी मीटिंग वहाँ के बच्चों ने उनसे पूछा कि जब आप कहानीकारों की बात करते हैं तो आपने सिर्फ एक विशेष कहानीकार का नाम लिया बार 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 लगा कि वही कहानीकार इस पूरे ब्रह्मांड में है क्या और इतने सारे कहानीकार जो नए पुराने हैं उनका नाम आप नहीं ले सकते हम तो जानते भी नहीं थे कि ये कहानीकार है अच्छा उन कहानीकारों को इतना थूमी लगा के इतना खड़ा किया गया है कि भी एक उपन्यास उन्होंने लिखा भी नहीं है लेकिन उसको नोबेल प्राइज़ के लिए संस्कृति और न सिर्फ ये बल्कि वहाँ नोबेल प्राइज़ के लिए वो दैनिक भास्कर ने इसका ये किया गया है जिक्र किया गया है तो ये इतने सारे कहानीकारों का अपमान है इससे बचा सकते हैं कौन ये हमारे प्रोफेसर लोग जो कि बताएं कि हाँ हमारे पास
बेहतरीन से बेहतरीन कथाकार हैं जो कि संघर्ष तपा है, तो आप लोग ये अपराध कम से कम मत कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो उनको बुलाइए एक बार, उस महान कथाकार को एक बार बुलाइए ताकि चेहरा तो लोग देखें, और कम से कम ये सैनिक देखें कि दूसरे कथाकार को बुलाइए, वो भी कहानियाँ पढ़ें और भी ये करें। मित्रों, उम्मीद क्षमा करेंगे, मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया।